स्टूडेंट्स वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ह्यूमैनिटीजन मैं आपकी दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स आई आई होप होप आप आप सब ठीक हो एंड कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए सो so, जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को आ, थोड़ा हाई हेलो कुछ लिख दो कॉमेंट सेक्शन भर दो मुझे आइडिया लग जाए कि बच्चे आ गए हैं क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन सो so, सीमू हाई गुड इवनिंग ठीक है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन आज हमें बेसिकली वन शॉर्ट रिवीजन करना है मिनट हाँ. तो आज हमें वन शॉर्ट रिवीजन करना है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हमारा चैप्टर चल रहा था बहुत लेंदी चैप्टर है तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे पूरे चैप्टर को एक ही क्लास में खत्म कर देंगे ओके okay? बता दो दीदी ऐप कैसे डाउनलोड करना है ओके तो आपको क्या करना है आप ऐप स्टोर पर जाओ वहाँ पर टाइप करो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ठीक है तो नीचे लिखा भी आ रहा है ठीक है वहाँ से आप डाउनलोड करो या फिर आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो वहाँ से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो सुहानी चलो बहुत ही बढ़िया बात है Uh, हाँ नानसी वो भी कर देंगे स्टार्ट किस किस ने ज्वाइन कर लिया सुहानी अवतार आदित्य हाय गुड इवनिंग सबको हाय गुड इवनिंग अनवेशा गुड इवनिंग सुर भी अच्छा सुहानी वेरी गुड नाइस बहुत बढ़िया चलो तो अब हम स्टार्ट करें आई थिंक काफी सारे बच्चे आ गए हैं क्लास में तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से टाइम टेबल देख लो बेसिकली दो टाइमिंग्स हैं जिन पर मैं लाइव आती हूँ उस चैनल पर 6 पीएम और 7 पीएम 6 बजे मैं क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को पढ़ाती हूँ अभी सात बज रहे हैं सात बजे क्लास इलेवेंथ के स्टूडेंट्स मेरे साथ पॉलिटी या फिर ज्योग्रफी कवर करते हैं फिलहाल ज्योग्रफी चल रहा है आज के साथ जोग्रफी तुम्हारा खत्म हो जाएगा कल की क्लास में हम लोग अपना फिर से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे अर्पित पढ़ली ह्यूमैनिटीज पर कौन पढ़ा रहा है अगर आप हो तो कोई नहीं अभी के लिए तो कोई नहीं ठीक है हाँ चलो तो क्लास ट्वेल्थ की अगर हम आ, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो छह बजे और सात बजे अनीता मैम पढ़ाती हैं आपको हिस्ट्री और इंग्लिश आप लोग कवर करते हो रुबैना मैम के साथ पांच बजे लाइव ठीक है यहाँ तक तो क्लियर है सबको हाँ रिद्धि हाई गुड इवनिंग कल जुडिशरी कराओगे ना बिल्कुल बहुत डिमांड आ रही है तुम लोगों से कि जुडिशरी करना है तो कल के क्लास में जुडिशरी ही करेंगे ओके हाँ कल जुडिशरी स्टार्ट कर देंगे टेंशन मत लो चलो तो वन शॉर्ट रिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं ओके तो हाँ अब थोड़ा ध्यान से सुनना चैप्टर लंबा है इंपॉर्टेंट है फोकस करो आप तुम लोग ठीक है तो आफ्टर लर्निंग अबाउट हाउ अर्थ वॉज बॉर्न ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं अर्थ कैसे बॉर्न हुआ है ना अर्थ के अंदर क्या क्या लेयर्स हैं और अर्थ को एक के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया तुम लोगों ने वॉल के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है ना रॉक्स एंड मिनरल्स नाम का भी एक चैप्टर हमने पूरा निपटा दिया है है ना अब हम लोग क्या करेंगे अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा इन डिटेल समझना हम लोग स्टार्ट कर देंगे ठीक है इरोशन मास मूवमेंट वेदरिंग ये सब क्या होता है ये सारी चीजें तुम्हें इन डिटेल इस चैप्टर में बता रखी हैं ओके okay? चलो तो बेसिकली दो फोर्सेस हैं जो कि हमारे अर्थ पर एक्ट करती हैं जिसके वजह से अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनते हैं ओके okay? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है एंडोजेनिक फोर्स और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स तो इन दोनों फोर्सेस के वजह से हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं कहीं पर माउंटेन है कहीं पर प्लेट है ठीक है ये सारी चीजें बनती हैं अभी तो दीदी और चैप्टर है और चैप्टर क्या पूरा पूरा सेंटेंस लिखो अभी तो दीदी और चैप्टर है किसकी और चैप्टर है कहाँ और चैप्टर है लैंड फॉर्म्स एंड रेवल्यूशन रिद्धि वो भी मैं करा दूंगी स्टार्ट अभी तो और चैप्टर हैं जोग्राफी में हाँ अवतार हम वापस आएंगे ज्योग्राफी में टेंशन मत लो अच्छा मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी अपने आ, क्या कहते हैं टाइम टेबल को पहले क्या होता था हम जोग्रफी का एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं है ना पर बीच बीच में ऐसा होने लग जाता है कि जो पॉलिटी के बच्चे हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि नहीं दीदी -दी, आप पॉलिटी नहीं पढ़ा रहे आप जोग्रफी ज़्यादा पढ़ा रहे हो तो अब से हम क्या करेंगे ऑल्टरनेट चलाएंगे आई थिंक ये सबके लिए वर्कआउट करेगा है ना ऑल्टरनेट चलाते हैं सिम सोशलॉजी तो अभी नहीं हो रहा है स्टार्ट ठीक है हाँ तो अभी के लिए हम क्या करेंगे ऑल्टरनेट चलाएंगे जैसे आज जोग्राफी है कल पॉलिटी परसों फिर से जोग्राफी उसके बाद फिर से पॉलिटी तो एक दिन पॉलिटी एक दिन ज्योग्राफी अब से मैं इस तरीके से स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि जब मैं एक एक चैप्टर करके चलती हूँ तो तुम लोगों की तरफ से बहुत कंप्लेन आ जाती है कि पॉलिटी कब कराओगे ज्योग्राफी कब कराओगे तो एक एक दिन अलॉट कर देते हैं कि इस दिन ज्योग्राफी इस दिन पॉलिटी ओके हाँ हाफ ईयरली आ रहे हैं हाफ ईयरली में सुहानी सबसे पहले तो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज कर लो एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay. चलो तो एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं वो पढ़ते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस क्या हैं ऐसे फोर्सेस जो हमारे अर्थ के अंदर से एक्ट कर रहे हैं ठीक है जैसे अर्थ के नीचे अगर टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते हैं तो वो हमारा एंडोजेनिक फोर्स होगा ओके। okay? एक्सोजेनिक फोर्स फोर्स क्या एक्सोजेनिक मतलब ऐसे फोर्सेस जो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं ठीक है तो अगर मान लो ये अर्थ का सरफेस है सरफेस के नीचे कुछ चल रहा है तो हम उसे कहेंगे एंडोजेनिक अगर सरफेस के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम उसे कहेंगे एक्सोजेनिक एंडोजेनिक तो हो गया मान लो अंदर कोई प्लेट प्लेट हिल गई तो वो एंडोजेनिक है ठीक है अगर ऊपर इरोजन चल रहा है मास वेदरिंग चल रही है तो वो सब क्या है वो एक्सोजेनिक क्लियर okay, है सबको हाँ। तो दीदी इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाता है अच्छा शिवानी इकोनॉमिक्स इस चैनल पर नहीं है तो हमारा एक चैनल है कॉमर्स अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन नाम का वहां पर आप इकोनॉमिक्स भी कवर कर सकते हो ओके okay? चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है ग्रेडेशन ग्रेडेशन क्या होता है द ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन जब हमारे अर्थ के अलग अलग स्ट्रक्चर माउंटेन्स हो गए प्लेटियोज हो गए जब अलग अलग स्ट्रक्चर वेयर डाउन होने लग जाते हैं ऊपर से मतलब थोड़ा घिसने लग जाते हैं इरोजन की वजह से तो हम इस प्रोसेस को ग्रेडेशन कहते हैं ठीक है तो हम इस प्रोसेस को ग्रेडेशन कहते हैं ओवरऑल तुम्हें यह समझना है कि एंडोजेनिक फोर्सेस का क्या काम होता है ये अप करती हैं चीजों को एंडोजेनिक फोर्सेस के वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं लैंडफॉर्म्स माउंटेन्स ये सब एंडोजेनिक फोर्सेस से बनते हैं एक्सोजेनिक फोर्स का क्या काम होता है इन सारी चीजों को हटाना ठीक है ऊपर से इरोजन कर देना मास वेदरिंग कर देना इन सारे स्ट्रक्चर्स को खराब करना हटाना ये एक्सोजेनिक फोर्सेस का काम होता है क्लियर है सबको हाँ हैप्पी गुरु नानक जयंती चाहत आपको भी इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन सुहानी में अलग स्ट्रक्चर structure, अलग स्ट्रक्चर सो अलग क्लास लगाऊंगी ठीक है अभी मुझे वन शॉर्ट रिविजन खत्म करने दो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी अलग क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है नेक्स्ट हमने देखा है कि हमारे अर्थ के ऊपर वेरिएशन बहुत है है ना अर्थ का पूरा पूरा सरफेस हमारा प्लेन नहीं है अर्थ कहीं पे थोड़ा सा माउंटेन है कहीं पर प्लेन है तो ये वेरिएशन क्यों है क्योंकि अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस एक्ट करते हैं ओके चलो पर याद रखना अर्थ का जो अपना सरफेस है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ठीक है हमारे अर्थ का सरफेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है पर हम इसी सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं इसी सरफेस के ऊपर हम ह्यूमंस बहुत इंटेंस एक्टिविटीज करते हैं जिसके वजह से आज के टाइम पे अर्थ का पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है ओके okay? तो ये तुम्हारा अभी तक बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जियोमोर्फिक प्रोसेसिस जियोमोर्फिक प्रोसेसेस क्या होता है वो डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे पूरी डेफिनेशन दे रखी है जियोमोर्फिक प्रोसेसेस की जल्दी से देखते हैं द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन ऑन अर्थ मटेरियल एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस मतलब अर्थ के ऐसे प्रोसेस जिनके वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर बदलाव आते हैं अब इस कैटेगरी में एंडोजेनिक फोर्सेस भी आ जाते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस भी आ जाते हैं ऐसे जो भी फोर्सेस हैं ऐसे जो भी एक्सोजेनिक या एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जिसके वजह से हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर फिजिकली या केमिकली कोई बदलाव आता है और अर्थ का सरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को हम जिओमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं।, हैं क्लियर ओके अब मान लो अगर कोई एक्सोजेनिक फोर्स लगना है हमारे अर्थ के ऊपर एक्सोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल उठा लेते हैं इरोजन ठीक है तो इरोजन को कोई एजेंट चाहिए होगा है ना मतलब इरोजन करने के लिए भी हमें कोई एलिमेंट चाहिए होगा जैसे आप लोगों ने सुना होगा सॉइल इरोजन क्यों होता है पानी के वजह से हो सकता है एयर के वजह से हो सकता है आइस के वजह से भी हो सकता है तो ऐसे अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर या फिर जियोमोर्फिक एजेंट ठीक है तो जिनकी वजह से एक्सोजेनिक फोर्स काम कर पा रहा है उन चीजों को हम एक्सोजेनिक एजेंट्स कहते हैं ये तुम्हें याद रखना ठीक है हाँ यहां तक क्लियर है हाँ तो इस हिसाब से रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स विंड वेव्स करंट ये सारी चीजें जिससे हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं इन सारी चीजों को हम जियोमॉर्फिक एजेंट कह सकते हैं ठीक है इन सारे फोर्सेस के अलावा ग्रेविटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है हमें पता है ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली हमारे अर्थ के ऊपर एक्ट करती है ग्रेविटी नहीं होता तो कोई भी चीज अर्थ के सरफेस के कॉन्टैक्ट में नहीं होती ग्रेविटी की वजह से चीजें नीचे गिरती हैं तो इसीलिए ग्रेविटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओके okay? चलो तो ग्रेविटी के बारे में भी समझ लिया अब थोड़ा सा एंडोजेनिक प्रोसेसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो एंडोजेनिक फोर्सेस मैंने तुम्हें बताया ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से आ रहे हैं उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स जेनरेट कैसे हो सकते हैं रेडियो एक्टिविटी से रोटेशन से टाइडल फ्रिक्शन से, ठीक है? हीट मतलब जब हमारा अर्थ बन रहा था बिग बैंग थ्योरी वगैरह हमने पढ़ा ना तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुई थी तो उसमें से जो बचा कुचा हीट है जब वो रिलीज होता है तो वो भी एंडोजेनिक होता है ठीक है हाँ तो ये सारी चीज़ें हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस का पार्ट है अब एंडोजेनिक फोर्सेस में भी अलग अलग कुछ टाइप्स होते हैं ठीक है एंडोजेनिक फोर्सेस के भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं उसे समझते हैं एंडोजेनिक फोर्स में एक प्रोसेस आ जाता है जिसको हम कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके थ्रू अर्थ के ऊपर कोई चीज बन रही हो ठीक है माउंटेन हिल या कुछ भी बन रहा हो हम उसे डायस्ट्रोफ्रिज्म कहते हैं डायस्ट्रोफ्रिज्म के भी अलग अलग टाइप होते हैं ठीक है डायस्ट्रोफ्रिज्म में ओरोजेनिक प्रोसेस भी आ सकता है ओरोजेनिक प्रोसेस मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके वजह से कोई माउंटेन बन रहा हो ठीक है नेक्स्ट एपीरियोजेनिक प्रोसेसेस भी इसी में ही आ जाता है डाएस्ट्रोफ्रिज्म में आ जाता है इसका क्या मतलब है ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके थ्रू जमीन का कोई हिस्सा अपलिफ्ट हो रहा हो या रैप हो रहा हो ठीक है Earthquake. Earthquake, मतलब जब आ, हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होते हैं, तो वो भी डायस्ट्रोफ्रिज्म के कैटेगरी में आ जाता है ठीक है प्लेट का हॉरिज़ॉन्टल मूव करना ये भी हमारे डायस्ट्रोफ्रिज्म में आ जाता है ऑल दीज प्रोसेस अभी जो हमने ये पूरे अलग अलग प्रोसेस पढ़े इन सारे प्रोसेस से क्या होता है हमारे अर्थ का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है अगर कहीं अर्थ को एक आ जाए या कहीं पे प्लेट मूव कर जाए ठीक है कहीं माउंटेन का कुछ बन रहा है इन सारे प्रोसेसेस से क्या होता है हमने देखा है कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो जाता है जिसके वजह से आसपास का स्ट्रक्चर बदलने लग जाता है हाँ प्रद्युमन देखो स्पैमिंग नहीं करनी है क्लास में ओके हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर जब भी सीक्वेंस में पढ़ेगा वो और जियोमॉर्फिक एजेंट देखो अभी तो वन शॉर्ट रिवीजन चल रहा है तो मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ अगर तुम्हें इन डिटेल समझना है तो अभी पूरा हफ्ता हमने इन डिटेल पढ़ा इस चैप्टर को तुम वहां से पढ़ सकते हो ठीक है जियोमॉर्फिक एजेंट मतलब कोई भी एक ऐसा एजेंट जिसके वजह से इरोजन हो रहा है पानी हवा आइस ये सब आगमन जय हिंद मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ठीक है वॉलकैनिज्म क्या होता है मान लो ये अर्थ का सरफेस है हमें पता है कि अर्थ के नीचे क्या है मैग्मा ठीक है अब मान लो कोई अर्थ को एक आ गया और हमारा अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर छोटा सा ऐसे क्रैक पड़ गया तो हमारा ये जो मैग्मा है ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा ठीक है अब ऊपर अर्थ में थोड़ा ऊपर ऊपर जाओगे तो यहाँ उतनी गर्मी नहीं होती तो यहाँ पे ये मैग्मा थोड़ा जम जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्या होगा कई बार ये मैग्मा जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे बाहर आ जाता है अर्थ के सरफेस के ऊपर तो हम इस मैग्मा को लावा कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि हो गया ठीक है अब मान लो लावा यहां कहीं पे गिर गया थोड़े टाइम के बाद लावा भी ठंडा हो जाएगा और ये कोई पत्थर बना देगा ठीक है तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे हमारा इरप्ट होता है तो ये तो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस थे ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के अंदर एक्ट करते हैं अब हम कवर करते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को ठीक प्रोसेस है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या ऐसे प्रोसेस जो कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर चल रहे हैं ठीक है तो एक्सोजेनिक फोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो ग्रेविटी का ही होता है चैप्टर के स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया था है ना ग्रेविटी के वजह से बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारे अर्थ के ऊपर ओके okay? अलग अलग चीजें गिरती हैं टूटती हैं ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अलावा केमिकल प्रोसेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस केमिकल रिएक्शंस के वजह से भी एक्सोजेनिक फोर्सेस एक्ट करते हैं ठीक है तो इसका ना एक अभी आ, डायग्राम आएगा मैं उसके थ्रू तुम्हें समझाती हूँ हाँ तो बेसिकली ये सारे प्रोसेसिस हैं जिनको हम मेनली एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं ठीक है अभी हम क्या करेंगे एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे ओके तो एक प्रोसेस होता है वेदरिंग ओके क्या होता है वेदरिंग अभी टेंशन जैसे जैसे टॉपिक आएगा पढ़ते जाएंगे तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं वेदरिंग ओके एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मास मूवमेंट और एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इरोजन तो ये जो तीनों हमारे प्रोसेसेस हैं ये एक्सोजेनिक प्रोसेसिस हैं ठीक है अब वेदरिंग भी अलग अलग रीजन के वजह से होता है ग्रेविटेशन के वजह से होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रेस के वजह से भी हो सकता है या केमिकल एक्शन के वजह से हो सकता है मास मूवमेंट ज्यादातर केसेस में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के रीजन से होता है मोस्टली ठीक है इरोजन काइनेटिक एनर्जी के वजह से होता है ठीक है तो ये तुम्हें थोड़ा बहुत याद रखना है अभी ऊपर ऊपर से देख लो आगे जैसे जैसे जाएंगे एक-एक टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे अभी पहला टॉपिक हमारा वेदरिंग है <coughs> सारे चैप्टर को अटैच कर दो ऐसे कंफ्यूजन होता है ठीक है अब एक प्लेलिस्ट बनवा देंगे ओके हमने लाइक और शेयर कर दिया है क्लास का लिंक आगमन थैंक यू सो मच चलो ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेदरिंग ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा यहीं पे समझा देती हूं वेदरिंग क्या होता है तो अ मान लो यहाँ पर एक माउंटेन बना दिया मैंने ठीक है तो माउंटेन का जो सरफेस है यहाँ पे रॉक एंड सॉइल होगा ठीक है तो ये सारे प्रोसेसेस बहुत लंबे टाइम में होते हैं ठीक है मान लो ओवर टाइम बहुत सारे ईयर्स के अंदर क्या हुआ ये जो ऊपर का पत्थर है इसके ऊपर कभी बारिश हो रही है कभी बहुत तेज हवा चल रही है कभी बहुत तेज धूप पड़ रही है इन सारे रीजंस के वजह से क्या होगा ओवर टाइम ये जो स्ट्रक्चर है ये टूटने लगेगा ठीक है हटने लगेगा और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके हटेगा और इसके ऐसे छोटे छोटे हिस्से बन जाएंगे इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग जब वेदर कंडीशन के वजह से किसी एरिया के ऊपर इफेक्ट पड़ता है ऊपर के लेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो हम उसे वेदरिंग कहते हैं ठीक है तो ये तो मैंने तुम्हें ड्रॉ करके समझाया यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है वेदरिंग की वेदरिंग को हम इन सी टू प्रोसेस कहते हैं ठीक है क्योंकि वेदरिंग का जो ओवरऑल प्रोसेस होता है उसमें मूवमेंट ज्यादा नहीं होती ठीक है हर एक जो चीज़ है वो स्टेशनरी रहता है मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती तो वेदरिंग को हम इन सी टू प्रोसेस कहते हैं अब वेदरिंग के प्रोसेस को हम अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं ठीक है एक होता है केमिकल के वजह से एक होता है फिजिकल या मैकेनिकल रीजंस के वजह से और एक टाइप का वेदरिंग होता है जिसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं अभी एक-एक करके इन सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहला है हमारा केमिकल वेदरिंग प्रोसेस ठीक है तो जब भी हमारी वेदरिंग किसी केमिकल रिएक्शन के वजह से हो तो हम उसे केमिकल वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं अभी एक-एक करके तुम सारे केमिकल वेदरिंग प्रोसेस को देखोगे एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन सोल्यूशन क्या होता है बचपन में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था ना किसी चीज को तुम पानी या एसिड में अगर घोल दो तो जो तुम्हारे पास बचेगा उसे हम कहते हैं ठीक है तो एक तरीका होता है सोल्यूशन जिससे वेदरिंग होती है ठीक है तो मान लो तुम्हारे पास कोई मिनरल है जो कि ऐसा मिनरल है जो कि पानी में बहुत अच्छे से घुल जाएगा ठीक है मान लो सॉल्ट है एन है ठीक है तो बारिश होगी तो क्या होगा एनएसीएल का ऊपर का जो लेयर है बहुत आसानी से हट जाएगा तो ऐसे में हम कहेंगे कि सोल्यूशन के वजह से एन की वेदरिंग हो गई ठीक है जब कोई चीज पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन वेदरिंग हुई है उसकी ओके okay? हाँ नेक्स्ट एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनेशन ओके कार्बोनेशन तो कार्बोनेशन में क्या होता है बेसिकली uh, हमारे कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि वीक कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं ठीक है जैसे मैंने अभी आपको बताया पिछले एग्जाम्पल में कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो पानी के साथ घुल जाते हैं है ना कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि वीक कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हट जाते हैं ठीक है तो जब भी कार्बोनिक एसिड के वजह से हमारे मिनरल्स हटते हैं तो हम उस प्रोसेस को कार्बोनेशन कहते हैं ओके okay? नेक्स्ट क्या है हाइड्रेशन ठीक है हाइड्रेशन क्या होता है मान लो कोई हमारा मिनरल है जो एक ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे थोड़ा बहुत उसके ऊपर पानी पड़ता है तो जब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं अगर उनके ऊपर पानी पड़ता है तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाते हैं ठीक है कुछ टाइम के बाद मान लो जो पानी है वो हट गया जो मॉइस्ट एनवायरमेंट है वो हट गया तो क्या होगा वो मिनरल फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ठीक है छोटा हो जाएगा जब पानी आता है तो एक्सपैंड होता है जब पानी हटता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ठीक है अब मान लो यही चीज़ बार बार हो रही है ठीक है कभी ड्राई कंडीशन कभी ह्यूमिड कंडीशन तो ऐसे में हमारा मिनरल बार बार एक्सपैंड होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड इसी के चलते धीरे धीरे हमारा मिनरल टूटने लगेगा तो इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ओके okay? चलो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन अकर्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है या ऑक्सीजनेटेड वाटर मिल जाता है किसी मिनरल को तो क्या होता है उस मिनरल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करने लग जाता है और हम कहते हैं उस मिनरल का ऑक्सीडेशन चल रहा है ठीक है जैसे आयरन के साथ होता है ठीक है आयरन को अगर आप पानी वानी में डाल दो तो रस्ट लग जाता है उसमें ठीक है तो वो एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन होता है ठीक है उसी ऑक्सीजन को जब आप मिनरल से हटा देते हो तो हम उसे रिडक्शन कहते हैं ओके okay, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के वजह से भी हमारा वेदरिंग होता है तो ये जो वेदरिंग के सारे हमने एग्जाम्पल पढ़े ये केमिकल केमिकल वेदरिंग था कि के वजह से वेदरिंग हो रही है नेक्स्ट क्या है फिजिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग मतलब वेदरिंग तब भी होता है जब हम फिजिकली किसी चीज के ऊपर जोर लगाते हैं ठीक है जब हम मैकेनिकली कोई जोर लगाते हैं तब भी आ, हमने देखा है कि वेदरिंग हो जाता है तो इसके भी हम लोग अभी अलग अलग टाइप्स को देखेंगे ठीक है चलो तो फिजिकल वेदरिंग में आ जाता है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन ठीक है हाँ तो सबसे पहले अनलोडिंग क्या होता है मान लो ये कोई पत्थर है ठीक है ओवर टाइम वेदरिंग के वजह से ये जो रॉक है इसका ये ऊपर वाला जो लेयर है ये धीरे धीरे अगर हट जाए तो हम इसे अनलोडिंग कहेंगे ठीक है जब अनलोडिंग होता है तो पता है क्या होता है नीचे जो स्ट्रक्चर बचता है ना वो बहुत स्मूथ सा और अक्सर डोम शेप का बचता है मैं आपको दिखा देती हूँ एक फोटो ठीक है तो अनलोडिंग के बाद अक्सर इस टाइप का स्मूथ सा डोम शेप का एक स्ट्रक्चर बच जाता है ठीक है हाँ तो एक अनलोडिंग भी हमारे फिजिकल वेदरिंग के कैटेगरी में आ जाता है ओके okay, नेक्स्ट क्या है टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन कई बार टेम्परेचर के वजह से हमारी वेदरिंग होती है ठीक है तो अगेन क्या होता है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमारे ज्यादातर मिनरल्स एक्सपैंड करते हैं ठीक है और जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हमारे ज्यादातर मिनरल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगर यही चीज बार बार चलती रहे ठीक है कभी बहुत तेज गर्मी कभी बहुत तेज ठंड तो क्या होगा हमारे मिनरल्स कभी एक्सपैंड कर रहे हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बहुत सालों के बाद वो थक जाते हैं और धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं तो टेम्परेचर से भी हमारा वेदरिंग एग्जाम्पल है फ्रीजिंग थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग ऐसी जगह जहां पर बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वहां पर भी वेदरिंग होने लग जाता है तो मान लो हमारा कोई पत्थर है पत्थर में बीच बीच में क्रैक्स होते हैं है ना मान लो इन क्रैक्स के अंदर क्या हुआ पानी घुस गया ठीक है और बाहर बहुत तेज ठंड है तो ये पानी जो है वो जम गया पत्थर के अंदर ही ये पानी जम गया फिर कुछ टाइम के बाद बाहर गर्मी हुई तो ये जो आइस है ये मेल्ट होके फिर से पानी बन गया तो बार बार जब हमारा रॉक है ये आइस और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये रॉक अंदर एक्सपैंड होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है यही चीज बार बार चलती है और हमारा रॉक टूटने लग जाता है उसमें वेदरिंग होने लग जाती है ठीक है सॉल्ट वेदरिंग हमारे काफी सारे ऐसे रॉक्स हैं जिनमें सॉल्ट होते हैं ठीक है जैसे एन एक तो सॉल्ट हो गया जो हम लोग नमक खाते हैं है ना बाकी तुमने टेंथ तक केमिस्ट्री में पढ़ा है और भी मिनरल्स को हम सॉल्ट कह देते हैं है ना तो सॉल्ट के साथ भी क्या होता है अगर किसी रॉक के अंदर सॉल्ट है तो सॉल्ट भी हाई टेम्परेचर में एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है लो टेम्परेचर में जिसके वजह से वेदरिंग होती है ठीक है तो डेजर्ट टाइप एरिया में सॉल्ट वेदरिंग होती है ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग मतलब बायोलॉजिकल किसी लिविंग बींग के थ्रू वेदरिंग कैसे हो सकती है ठीक है तो अगर आप देखो हमारे सॉइल में या अलग अलग रॉक्स के आसपास बहुत सारे लिविंग थिंग्स रहते हैं है ना बहुत सारे लिविंग बींग्स रहते हैं जैसे अर्थ फॉर्म हो गया टर्माइट्स मतलब दीमक हो गए रोडेंट्स मतलब छोटे छोटे स्क्विरल्स या रैट ये सब हो गए है ना तो इन सब के एक्शन के वजह से भी धीरे धीरे ओवर टाइम वेदरिंग होने लग जाती है तो ये तो हमारे लिविंग बीन्स हैं ही साथ में हम लोग भी तो लिविंग बीन्स हैं ह्यूमंस भी लिविंग में आते हैं हम लोग तो अलग ही लेवल में एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर देते हैं कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ठीक है या पेड़ पौधे काट देते हैं जिसके वजह से वेदरिंग और आसानी से होने लग जाता है तो लिविंग बीन्स के होने से भी इफेक्ट पड़ता है वेदरिंग के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग वेदरिंग की वजह से क्या होता है वेदरिंग की वजह से एक्सफोलिएशन होता है एक्सफोलिएशन का क्या मतलब है ऊपर वाली जब लेयर हट जाती है तो हम उसे एक्सफोलिएशन कहते हैं तो वेदरिंग का एक स्पेशल इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या है कि ऊपर वाली लेयर हट जाती है जिसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन और जब भी एक्सफोलिएशन होता है तो क्या होता है बहुत स्मूथ से सरफेस बनने लग जाते हैं ठीक है तो अभी एक टॉपिक हमने खत्म करा वेदरिंग नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मास मूवमेंट मास मूवमेंट को इन डिटेल समझेंगे उसके बाद तुम्हारा एक और टॉपिक आएगा इरोजन ठीक है तो अभी हमें मास मूवमेंट करना है इरोजन पढ़ना है उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा तुम्हारा सॉइल ठीक है बस इतना और करना फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है मास मूवमेंट क्या होता है जैसा नाम से लग रहा है अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर कोई बहुत बड़ा मास अचानक से मूव कर जाए तो हम उसे मास मूवमेंट कहते हैं मास मूवमेंट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं क्रीप फ्लो स्लाइड फॉल ये सब अलग अलग तरीके होते हैं मास मूवमेंट के ठीक है मास मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है तो मतलब मान लो ये एक माउंटेन है यहां से कोई बहुत बड़ा मास नीचे गिरने वाला है तो उससे पहले क्या क्या होगा उससे पहले इसका नीचे का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा ठीक है ये भी हो सकता है कि ये जो स्लोप है ये जो ढलान है ये ढलान और तेज हो जाए जिसकी वजह से मास मूवमेंट थोड़ा जल्दी हो जाए ओवरलोडिंग मतलब ये जो सरफेस है यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा लोड भर दिया जिसके वजह से मास मूवमेंट होने लग गया ठीक है या फिर बहुत तेज बारिश हो रही है कहीं पे जिस वजह से मास मूवमेंट जल्दी होने लग गया ठीक है अगर आपने उस स्लोप में से कोई चीज हटा दी ओरिजिनली कोई चीज वहां पे थी आपने उसे हटा दिया उस वजह से भी मास मूवमेंट हो सकता है अगर कहीं पर एक आ जाए एक्सप्लोजन हो जाए या आप कोई कंस्ट्रक्शन का, का काम करो तो भी मास मूवमेंट हो सकता है अगर नेचुरली वो एरिया ऐसा है कि वहां पे आसपास सीपेज ठीक से नहीं हो रहा तो भी मास मूवमेंट हो सकता है ठीक है अगर आसपास लेक या रिवर का कोई पानी बहुत तेज बह जाए उससे भी मास मूवमेंट हो सकता है या फिर अगर हम पेड़ पौधे आसपास कट कर दें उस रीजन से भी मास मूवमेंट हो सकता है मास मूवमेंट कई बार बहुत धीरे धीरे होते हैं कई बार मास मूवमेंट बहुत तेज होते हैं अगर बहुत धीरे हो रहा है तो हम उसे स्लो मास मूवमेंट कहते हैं बहुत तेज हो रहा है तो हम उसे रैपिड मास मूवमेंट कहते हैं सबसे पहले स्लो मास मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो स्लो मास मूवमेंट में एक कैटेगरी आ जाती है जिसको हम कहते हैं क्रीप ठीक है हाँ तो क्रीप क्या होता है बहुत धीरे धीरे जब कोई मूवमेंट होता है इतना धीरे कि कई बार हमें आंखों से दिखता भी नहीं है तो हम उसे क्रीप कहते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन का पोल है सीधा होता है जब हम उसे लगाते हैं बहुत साल के बाद हो सकता है टेलीफोन का पोल हल्का से ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो हमें आंखों से दिखता नहीं है वो टेढ़ा होते हुए पर बहुत सालों के बाद धीरे धीरे वो हो जाता है तो ये क्रीप का एग्जाम्पल होगा ठीक है चलो एक आ, एक और एग्जाम्पल है इसका सोली फ्लक्शन ठीक है सोली फ्लक्शन क्या होता है स्लो डाउन स्लो फ्लोइंग सॉइल मास और फाइन ग्रेडियम्स रॉक डेबरी सैचुरेटेड और लुब्रिकेटेड विद वॉटर ठीक है जब बहुत धीरे धीरे सॉइल के छोटे छोटे टुकड़े या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं तो हम उसे सॉलिफ़ैक्शन कहते हैं तो ये तो स्लो मूवमेंट हो गए रैपिड मूवमेंट या फास्ट मूवमेंट को कवर करते हैं अब हम ठीक है रैपिड मूवमेंट में एक तो आ जाता है मड फ्लो मैंने आपको बताया था कई बार कीचड़ की तरह एक स्ट्रक्चर बहुत तेजी से बहता हुआ नीचे आता है जिसके वजह से अगर आसपास ब्रिज है रोड है तो वो सारी चीजें खराब हो जाती हैं तो हम उसे मड फ्लो कहते हैं अक्सर जब वॉलकैनो इरप्ट होता है तो बहुत सारा धुआं वगैरह उड़ता है जिसके वजह से मड फ्लो होने लग जाता है डेब्री एवेलॉन्च मैंने आपको बता रखा हम कार्टून वगैरह में देखते हैं ना कि बहुत तेज स्नो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है तो वो स्नो एवेलांच होता है सेम चीज पत्थर और मिट्टी के साथ भी हो सकती है तो हम उसे डेबरी एवेलॉन्च कहते हैं लैंडस्लाइड ठीक है लैंडस्लाइड हमें पता है जैसे हिली एरियाज में माउंटेन या हिल का अगर एक छोटा सा हिस्सा नीचे की तरफ गिर जाए तो हम उसे लैंडस्लाइड कहते हैं एक होता है स्लम्प स्लंप में क्या होता है हमारी जो ढलान है वो थोड़ा पीछे की तरफ खिस जाती है ठीक है तो अगर स्लोप ओरिजिनली ऐसा था तो कुछ टाइम के बाद हमारा स्लोप ऐसा हो जाता है अंदर की तरफ चला जाता है तो हम इसे स्लम्प कहते हैं स्लम्प भी एक टाइप ऑफ मास मूवमेंट होता है ठीक है रॉक स्लाइड या डेबरी फॉल में क्या होता है डेबरी फॉल में बहुत तेज मिट्टी गिरती है एकदम वर्टिकल तरीके से एकदम ऐसे सीधी सीधी रॉक फॉल में पत्थर बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरते हैं ठीक है तो ये भी क्या है हाँ मास मूवमेंट का एग्जाम्पल है ठीक है हमारे कंट्री में हमने देखा है कि हिमालय में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड और ये सारी चीज़ें होती हैं कई बार इसका रीज़न पूछ लिया जाता है तो याद रखना एक रीज़न ये है कि हिमालय ऐसे एरिया में है जो टेक्टोनिकली एक्टिव है दूसरा रीज़न ये है कि हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बना है, जो कि उतना स्टेबल नहीं होता तीसरा रीज़न क्या है हिमालय में बहुत सारे एरियाज में बहुत तेज़ ढलान है जिसके वजह से मास मूवमेंट्स हो जाते हैं कंपेरेटिवली अगर आप नीलगिरी वगैरह देखोगे वहां पर मास मूवमेंट इतने ज्यादा नहीं होते नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरोजन एंड डिपोजिशन ठीक है इरोजन का क्या मतलब होता है मान लो यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है बहुत सारी तो अगर मिट्टी उड़कर या पानी के वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए तो हम इसे इरोजन कहते हैं अब ये मिट्टी जब कहीं पर कलेक्ट होने लगेगी तो हम इसे डिपोजिशन कहेंगे ठीक है तो इरोजन एंड डिपोजिशन इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ठीक है अब इरोजन जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी का हाथ होता है ठीक है काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने आपको कल के क्लास में ही बताया था के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम स्क्वायर ये हमारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है मास मतलब जैसे ग्लेशियर के वजह से अगर इरोजन हो रहा है तो ग्लेशियर का बहुत ज्यादा मास है पर ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे चलते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी कम है ठीक है बाकी यहाँ पर एजेंट्स ऑफ इरोजन रिपीट हो रहा है जिसको हम कवर कर चुके हैं ठीक है तो एजेंट्स ऑफ इरोजन मतलब इरोजन किस वजह से हो रहा है पानी के वजह से हवा के वजह से किसके वजह से ठीक है तो इसमें याद रखना ग्राउंड वाटर और वेव्स ये ऐसे दो एजेंट्स हैं इरोजन के जो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड नहीं करते ओके okay? ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते चलो लास्ट टॉपिक हमारा सॉइल फॉर्मेशन ठीक है मिट्टी के बारे में सॉइल के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉइल की डेफिनेशन क्या है तो अगर आप किसी पेडोलॉजिस्ट से पूछो तो हाउ विल ही डिफाइन सॉइल सॉइल इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज ऑन अर्थ सर्फेस अर्थ के सर्फेस पे नेचुरल बॉडीज का कलेक्शन होता है सॉइल एंड इसमें लिविंग थिंग्स भी होते हैं डेड चीजें भी होती हैं और सॉइल हमेशा केपेबल होता है लाइफ सपोर्ट करने के ठीक है सॉइल में ही हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं सॉइल बहुत डायनेमिक होता है हमेशा बदलता रहता है क्लाइमेट सीजन इन सब के हिसाब से ओके okay? हाँ तो सॉइल जो है ये हमारा बहुत डायनेमिक होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग ट इसका मतलब यह भी है कि सॉइल जो है यह क्लाइमेट लैंड फॉर्म बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं ये अफेक्ट हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन सॉइल हमारा फॉर्म कैसे होता है ठीक है तो सबसे पहले जब हमने वेदरिंग पढ़ा था ठीक है तब आपको बताया गया था कि वेदरिंग का एक रिजल्ट होता है कि मिट्टी बनती है ठीक है तो सॉइल फॉर्मेशन की शुरुआत कैसे होती है वेदरिंग से ठीक है तो वेदरिंग से हमारी शुरुआत होती है सॉइल फॉर्मेशन की जो वेदर मटेरियल है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट होने के बाद हमारे जो बैक्टीरिया है या जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं मॉसेस या लाइक की तरह ये वेदर्ड मटेरियल के ऊपर एक्ट करने लग जाते हैं जिसकी वजह से धीरे 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 सॉइल फॉर्मेशन होता है जब थोड़ा बहुत सॉइल फॉर्मेशन हो चुका होता है तब हमारे माइनर ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इस सॉइल के अंदर रहना स्टार्ट कर देते हैं जिसके वजह से हमारे सॉइल के अंदर थोड़े न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जब ये एनिमल्स uh, की डेथ होती है तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं जब इस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं तो क्या होता है ये लाइफ को सपोर्ट करने लग जाता है जिसके वजह से छोटे छोटे प्लांट्स और बहुत टाइम के बाद ट्रीज वगैरह ग्रो करने लग जाते हैं ठीक है बहुत बड़े बड़े ट्रीज सॉइल के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं हाँ मूवी लवर्स हेलो गुड इवनिंग चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और ये तो मतलब सही में लास्ट टॉपिक है तुम्हारा ठीक है सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स मतलब ऐसे क्या-क्या फैक्टर्स -क्या हैं ऐसे क्या-क्या चीजें हैं जिसके ऊपर सोइल फॉर्मेशन का प्रोसेस डिपेंड होता है ठीक है तो पहला है पेरेंट मटेरियल पेरेंट मटेरियल मतलब वो सोइल बन किस चीज से रहा है ठीक है तो जिस टाइप का मटेरियल होगा उस टाइप की सोइल होगी नेक्स्ट टोपोग्राफी टोपोग्राफी मतलब आसपास का एरिया कैसा है क्या वहाँ माउंटेन्स हैं क्या वहाँ प्लेन है क्या वहाँ प्लेट्यो है, है इन सारी चीज़ों से भी हमारे सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर असर पड़ता है नेक्स्ट क्लाइमेट ठीक है क्लाइमेट मतलब आसपास क्लाइमेट कैसा है ठंड है गर्मी है ह्यूमिडिटी है इन सारी चीज़ों से हमारे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी उस सॉइल के ऊपर कितने पेड़ हैं कितने इंसेक्ट्स हैं आसपास क्या क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है ये भी हमारे सॉइल फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करता है और लास्ट है टाइम वो सॉइल हमारा कितने टाइम से बना हुआ है

ठीक है तो सारे बच्चे टाइम से पहुंच जाना एंड अब से हम लोग ऑल्टरनेट चलाएंगे एक दिन पॉलिटी और एक दिन जोग्राफी सो बी प्रिपेयर जुडिशरी ग्रेट बस यही सुनना था मुझे चलो स्टूडेंट्स सो दैट्स इट फॉर टुडे आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू 高原。Well, yeah,